सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब यहां से सीधा प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे सभा स्थल पर। और इस सीधी तस्वीर सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया, नानक्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां देखिए उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और यहां से अब सीधा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा स्थल पर जाने का। ये जयपुर से ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धानक्या से, ये सीधी तस्वीरें यहां देखिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। अब यहां से सीधा प्रधानमंत्री मोदी सभा स्थल पर जाएंगे, जहां इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का सुबह से, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर सुबह से मौजूद है। हालांकि देखिए सुरक्षा को लेकर के अगर आपको अपडेट दें, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें धानक्या से जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हेलीकॉप्टर से, पल पल की तस्वीर, पल पल का अपडेट फर्स्ट इंडिया आपको लगातार दे रहा है। और उस वक्त की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे थे और उनके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई थी, और यहां से अब पीएम मोदी रवाना होंगे और सीधे सभा स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने जब सुबह से बातचीत करा है फर्स्ट इंडिया उन लोगों से जो मौजूद है वहां पर, साफ तौर पर उनका कहना है कि वो उनकी सिर्फ एक झलक देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। आज का दिन देखिए खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महिलाओं को आज का दिन समर्पित है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के आज बातचीत होगी, क्योंकि हाल ही में जो बिल पास हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में, उसको लेकर भी चर्चा जरूर होनी है। और बेहद खास बात इसलिए भी क्योंकि चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दो दिन पहले की देखिए अगर बात कर ली जाए, राहुल गांधी के द्वारा सभा की गई थी, राहुल गांधी राजधानी के दौरे पर थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ चुके हैं। यानी कि देखिए एक चैलेंजिंग पार्ट तो है ही दोनों पार्टियों के लिए ही, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने दिग्गजों को राजस्थान की धरा पर खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि किसका चेहरा ज़्यादा मजबूती प्रदान कर पाएगा, एक तरह का कंपटीशन अब आप इसको समझ लीजिए। क्योंकि देखिए दोनों दौरों के बीच में बात की जाए तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, एक से दो दिन का समय है। 30 तारीख को जब पहुंचे थे राहुल गांधी और आज 25 तारीख हो चुकी है और पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो तस्वीर भी आपको फर्स्ट इंडिया ने दिखाई थी कि किस तरह से उत्साह के साथ में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और किस तरह से भव्य स्वागत राहुल गांधी का किया गया था। 5:30-6 के करीब राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके थे। 30 तारीख को आज हो चुकी है 25 तारीख और आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि देखिए चैलेंजिंग पार्ट पर यह देखना अति आवश्यक होगा आगामी चुनाव के अंदर कि आखिर जीत किसकी होनी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो कि अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि सौगातों के पिटारे खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो कि बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं राजस्थान के। और देखिए धानक्या में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उसके बाद में यहाँ से सीधा अब जाएंगे वो सभा स्थल पर, और सभा स्थल पर एक बड़ा संबोधन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा उसको लेकर के उत्साह लगातार लोगों के अंदर बना हुआ है, महिलाओं के अंदर बना हुआ है, क्योंकि खासकर भीड़ आप देखेंगे महिलाओं की भीड़ वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्मृति स्थल की, ये तस्वीरें हैं जिसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और देखिए इससे पहले पुष्पांजलि अर्पित की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और अब स्मृति स्थल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और अब यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी होगी और पहुंचेंगे प्रधानमंत्री सभा स्थल पर, हजारों की संख्या के अंदर लोगों की भीड़ जो कि इंतजार कर रही है। हालांकि देखिए इस दौरान संबोधन लगातार जारी है, अभी सतीश पूनिया को भी आप सुन रहे थे, बात तो केंद्र सरकार की उपलब्धियां तो गिना ही रहे थे, साथ ही साथ में कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे थे, फिर चाहे वो भर्ती परीक्षाओं की बात हो या फिर अन्य कई मुद्दे थे जो कि सतीश पूनिया के द्वारा उठाए गए थे। ऐसे में देखिए निगाहें इस चीज़ पर भी टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन उनका होगा तो क्या कुछ खास बात होंगी, क्या कुछ वो खास मुद्दे होंगे जिस पर फोकस रहेंगे। हालांकि देखिए फोकस पहला इसी चीज़ के ऊपर होगा, महिलाओं के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखने वाले। और देखिए समझा भी जा रहा था क्योंकि जब ये बिल पास हो गया था, बिल पास हुआ था जब भी आपको याद होगा कि किस तरह से
बयानबाजियां लगातार सामने आ रही थी, पर आखिरकार राज्यसभा में बिल पास हुआ और उसके बाद समझा गया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो महिला सशक्तिकरण को लेकर बात जरूर होगी। हमारे साथ सहयोगी लगातार विनोद बने हुए हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मोदी का हेलीकॉप्टर 3:15 पर यहाँ उतरा और वो उतरते ही यहाँ उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, ग्रामीण मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इसी बीच बड़ी बात यह है कि नारी शक्ति अभी यहाँ देखने को मिली। मोदी के अभिवादन में करीब 8 महिलाएं, उन्होंने मोदी का अभिवादन किया। मोदी ने भी धन्यवाद दिया कि जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ आए हैं, उन्होंने स्वागत किया है। मोदी ने यहाँ से सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति स्थल पर मोदी गए हैं। वहाँ मोदी अभी जो स्मृति है उसको भी देख रहे हैं, अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें देख रहे हैं और करीब 5 मिनट बाद मोदी वापस हेलीपैड पर आएंगे और यहाँ से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। आधे घंटे का यह कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जिनमें से 25 मिनट हो चुके हैं और पूरा ग्रामीण परिवेश यहाँ है। भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ है जो मोदी की एक झलक पाने को आतुर है। आसपास के गांव के भी कई लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन 3 किलोमीटर के दायरे में जिस तरीके से पुलिस ने माकूल इंतजाम कर रखे हैं, जो स्थानीय है वो ही यहाँ रुक पाए हैं। बाकी दूर दराज के जो आए ग्रामीण हैं वो दूर से मोदी की एक झलक पाने को आतुर है और मोदी ने जिस तरीके से हाथ दिलाकर ग्रामीणों का अभिवादन किया और अगले 5 मिनट में मोदी वापस हेलीपैड पर आएंगे और हो सकता है फिर से एक बार हाथ मिलाए। ग्रामीणों में काफी उत्साह है क्योंकि पहली बार मोदी आए हैं, 4.5 साल बाद जयपुर में सभा करेंगे। यहाँ से ग्रामीण सभा स्थल पर भी जाएंगे, 36 किलोमीटर का दायरा जो है, यहाँ से ग्रामीणों का कहना है कि चाहे 1 घंटे में मोदी के सभा स्थल पर पहुंचे लेकिन यहाँ से भी भारी संख्या में ग्रामीण सभा स्थल पहुंचेंगे। जी बिल्कुल विनोद, सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही है? ये सुबह 7 बजे से यहाँ पर पुलिस का माकूल इंतजाम है, कई टुकड़ियां आरएसी की यहाँ तैनात की गई है, कई थानों की पुलिस, और आप देखेंगे कि बड़ा जाप्ता यहाँ है और 3 किलोमीटर के दायरे में आप जिस तरीके से सोच सकते हैं 3 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने छावनी बना दिया है। हेलीपैड के आसपास जो ग्रामीणों के खेत हैं, ग्रामीणों के घर हैं, वहाँ भी पुलिस का माकूल इंतजाम है। यहाँ तक कि उनके फोन भी स्विच ऑफ करा दिए गए हैं, फोन भी बंद है ग्रामीणों के, लेकिन फिर भी ग्रामीण इस बात को लेकर खुश हैं कि मोदी जी धानक्या में आए हैं, धानक्या की धरती को धन्य किया है। ग्रामीण मोदी जी को बार बार कोटि कोटि धन्यवाद भी इस बात का दे रहे हैं क्यों धानक्या में आए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति स्थल पर गए। तो ग्रामीण काफी खुश हैं, वो भीड़ वैसी की वैसी ही सभा स्थल के आसपास और दूर दराज टिकी हुई है। मोदी जी वापस आएंगे, उनको इंतजार है कि हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले वो एक बार फिर हाथ दिलाकर सभी का अभिवादन करेंगे। इस दृश्य को देखने और मोदी जी की एक झलक पाने के लिए यहाँ भीड़ अभी तक जमा है। जी अब बिल्कुल विनोद, अभी कितनी देर यहाँ पे रुकने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, कितनी देर में रवाना होंगे सभा स्थल के लिए? जी पुलिस से जो जानकारी मिली उसके अनुसार 5 मिनट बताया गया था, 3 से 4 मिनट में मोदी वापस हेलीपैड पर आने वाले हैं, उसके बाद यहाँ से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे और ग्रामीण उनके एक झलक पाने को आतुर है और टुकड़ों टुकड़ों में ग्रामीण अपने खेतों में जमा है, खेतों में से झांक झांक कर मोदी की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का माकूल इंतजाम होने के कारण एक साथ एक स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं है। टुकड़ों में लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में यानी अपने अपने खेतों में बैठे हैं और मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। हर खेत में पुलिस का माकूल इंतजाम है, 20 से 25 पुलिस वालों की टुकड़ी एक एक खेत में जमा है जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है ताकि ग्रामीण शांति से मोदी जी का अवलोकन कर सके, मोदी जी को देख सके। मोदी जी के हाथ दिलाने का इंतजार है। अब जिस तरीके से मोदी जी यहाँ उतरे और हेलीकॉप्टर से उन्होंने हाथ दिलाकर ग्रामीणों का अभिवादन किया था, अभिनंदन किया था और धन्यवाद दिया था, उसी तरीके से अब 2-3 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं हेलीपैड पर। उसके बाद का दृश्य हम आपको मोदी जी के आते ही सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। ठीक है।